think I'm in love. Say it way too often. I can't play these games. Think I'm switching up the offense. See me in LA. I be moving cautious. I can feel no pain. Rolling up, I'm so exhausted. I be so exhausted. Whoa. All this weedin' got me lifted, pour four, and then I finished tonight. I told my mama that I'm with it, got this all like this, my kitchen. Middle finger to these bitches up, I. Cause I'ma do it my way, sit you like the flu, ayy. Shawty said she loved me, I told her, who are you, ayy? I ain't with that lame shit, since I took at your brain, bitch. All these niggas talking, fuck about what they say, and GTA, I'm wasted. Lately, I've been anxious, I'm so done with this fake shit. I'm so done with you. I'm so done with you. Whoa, oh, I be so exhausted. Whoa, I'ma roll another blunt, getting lost, I'm never found. Guess I'm never good enough for these bitches in my town. I don't really give a fuck, I'm a king like with my crown. Can't think about them all, cause it all gon' hold me down. I done made it through the storm, I ain't talking NBA. Mama knew I'd be a star, mama love what I became. I got Vaughn up on the phone, said he touched down in LA. I'ma get it how I get it, I ain't changing for the fame. Man, I put it on my name. Lately I've been wasted, I'm so done with this fame. दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं मनोज सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग बॉन्ड टू ब्लॉग में। आज हम लोग फिर से मधुबन बापूधाम योजना में हैं और बहुत ही शानदार डीडीए की ये योजना है। पहले भी हम इस पर दो तीन बार इसको कवर कर चुके हैं, बट एक बार आज फिर से नए तरीके से हम लोग इसको डिस्कवर कर रहे हैं अपने दोस्त संजय भाई के साथ। अपने सभी पूर्वांचल के भाइयों के लिए बहुत ही शानदार एक यहाँ पर ऑफर है। मात्र 2418 रुपए की ईएमआई में आपको फ्लैट मिलेगा, वो भी जीडीए से अप्रूव। तो इस बारे में बाकी की डिटेल में बात करेंगे संजय भाई के साथ, और इनका जो पूरा प्रॉपर्टी का जो इनका ऑफिस है उनका नाम ही उन्होंने पूर्वांचल स्टेट प्रॉपर्टीज के नाम से रख दिया है। तो ये सबसे शानदार बात है। आगे की बातें और यहाँ की बाकी की इंफॉर्मेशन लेते हैं संजय भाई से। तो संजय भाई, आप थोड़ा सा जानकारी दें मधुबन बापूधाम योजना के बारे में। देखिए भाई साहब, मधुबन बापूधाम योजना जीडीए का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें एक गरीब आदमी से लेकर एक बड़े आदमी तक की हर चीज की व्यवस्था गवर्नमेंट ने यहाँ पे कर रखा है। गरीब आदमी चाहे तो अपने एक छोटे से आशियाना बनाने के लिए मधुबन बापूधाम में आकर एक फ्लैट बुक करा सकते हैं, जो कि 20 साल के किस्तों पे है। आप इसे 2418 रुपये हर महीने की ईएमआई देकर आप इन फ्लैटों को ले सकते हैं। ओके, तो संजय भाई ने बताया कि यहाँ पर एक जो सबसे छोटा घर भी कोई लेना चाहता है तो वो भी अपने सपनों को यहाँ पर आकार दे सकता है, आप यहाँ पर घर ले सकता है, वो भी मात्र 2418 रुपए की मासिक किस्त पे। तो सबसे मजेदार बात ये है कि यहाँ पर लेकर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी, अगर कोई सबसे जो जिसको हम एक अपर क्लास बोल देते हैं वो भी चाहे तो यहाँ पर 450 मीटर में प्लॉट्स भी अवेलेबल है उनके लिए। तो साइजेस के बारे में संजय भाई, क्या क्या साइजेस है यहाँ पर? साइज भाई साहब, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस मकान की जो साइज है वो सबसे छोटा साइज है, वो है 29.7, इसे हम 32 मीटर बोलते हैं। जो उससे बड़ा है फ्लैट वो है 34 मीटर का, और उससे फ्लैट जो बड़ा है वो है एलआईजी 45 मीटर का। जो छोटा फ्लैट है ईडब्ल्यूएस मकान, उसमें दो कमरे हैं, उसी कमरे में किचन बना हुआ है, टॉयलेट और बाथरूम है, और बालकनी साइड में दिया हुआ है। इसमें आप एक छोटे परिवार को लेकर बड़े आराम से आप इसमें रह सकते हैं, और किसी प्रकार की आपको असुविधा नहीं होगी। कम से कम मधुबन बापूधाम में 5000 से ऊपर फैमिली आ चुकी है और अपने रोजमर्रा की चीजों को यहाँ पे प्राप्त कर रही है, चाहे वो दूध की दुकान हो, ब्रेड की दुकान हो, सब्जी की मार्केट है, मतलब आप मान के चले ऑटो का आना जाना, बस का सेवा, एनी टाइम आपको यहाँ पे करने की सुविधा भी मिल रही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पास नहीं है, बच्चों के
छोटे स्कूल, बड़े स्कूल, डिग्री कॉलेज सब कुछ बापूधाम में पढ़ते ही जा रहे हैं। तो देखिए, बात करें संजय भाई ने बताया कि बेसिक एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ पर सारी बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, इवन टू ट्रैफिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको गाजियाबाद के लिए कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑटोज, बसेस सर्विस हैं। तो बेसिक एमिनिटीज हम जो भी बातें करते हैं, रोड्स यहाँ डेवलप हैं, पार्क यहाँ डेवलप हैं, बिल्डिंग्स यहाँ डेवलप हैं और लगभग 5,000 फैमिली यहाँ पर रह रही है। तो बेसिक बात करें तो सबसे शानदार लोकेशन होने वाली है क्योंकि GDA खुद भी अपना एक ऑफिस यहाँ पर बना रहा है, तो जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब बात करें प्लॉट्स की, तो संजय भाई का लगभग कितने प्लॉट्स और क्या क्या साइज है यहाँ पर प्लॉट्स के? भाई साहब, यहाँ पे जो प्लॉटों की जो साइज है, सबसे जो छोटा प्लॉट GDA ने रखा है वो रखा है 40 मीटर का, 40 मीटर, उससे बड़ा जो साइज है वो है 60 मीटर, उससे बड़ा जो साइज है वो है 90 मीटर, उससे बड़ा जो साइज है वो है 112 मीटर, उसके बाद जो साइज आता है वो आता है 150 मीटर, उसके बाद 200 मीटर, 300 मीटर और 450 मीटर की साइज। कम से कम ये मान चले कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे प्लॉट है। तो दोस्तों, प्लॉट्स के बारे में आपने सुना, लेकर 40 मीटर से और 450 मीटर तक के प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इट मीन्स एक लोअर गरीब तबके से लेकर एक बड़े वर्ग तक के लिए यहाँ पर आशाएं उपलब्ध हैं। तो अब ये भी हमारी पूरी जानकारी मधुबन बापूधाम के बारे में। अब हम आपको लेके चल रहे हैं, जो हमने आपको शुरू में बताया 2,428 रुपए में जो आपको फ्लैट है वो किस तरीके का है, कैसे है और यहाँ बेसिक क्या क्या फैसिलिटीज है वो बाकी के दिखाते हैं। ये टावर की एंट्री है और अब टावर की एंट्री बात करते हैं तो एक फ्लोर पे आप देखेंगे तो 4 यूनिट यहाँ पर हैं। तो ये 4 जो गेट आपको नज़र आ रहे हैं ये एक टावर के हैं और ऐसी सेम इसमें 3 फ्लोर्स बने हुए हैं। 32 मीटर की ये यूनिट है और बहुत ही शानदार यूनिट है जो GDA ने अब तक बनाई है। ये एक एंट्रेंस है जो दो टावर्स के बीच में है, दोनों टावर्स के बीच में जो एंट्रेंस है वो आप देखेंगे लगभग ये 9 मीटर के आसपास का एंट्रेंस है और जिस फ्लैट की हम बात कर रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है। तो ये 32 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है और थोड़ा सा मॉडिफाइड है क्योंकि आप मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। संजय भाई आप आ जाओ, बताओ मुझे क्या क्या इसमें है यार, बड़ा थोड़ा सा अच्छे तरह से बताइएगा। भाई साहब, ये 32 मीटर में बना हुआ फ्लैट है। हाँ हाँ। और ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और आप इसमें काम करा सकते हैं, इसमें हमने भी थोड़ा बहुत काम कराया है। जी जी। तो इसमें ये मान के चले आप, ये तो ये आपका ड्राइंग रूम निकल गया है, ठीक है। ठीक है। ड्राइंग रूम के पास में हमने इसमें टॉयलेट और बाथरूम कम्बाइन कर रखा है। ओके, ये ड्राइंग रूम है जी। आप एंट्री गेट के बाद आते हैं, ये इसके साथ अटैच टॉयलेट है जी। और आप देखेंगे तो यहाँ पर आराम से आप इसको यहाँ पर चाय कॉफी पी सकते हैं, 4-5-6 लोग बैठ के आराम से चाय कॉफी पी सकते हैं जी। उसके बाद चल देते हैं आगे, ये जो आपने दूसरा रूम बनाया लिया हुआ है जी। ओके, दूसरा रूम हो गया आपका और ये रूम बहुत ही बड़ा है, काफी वाइड है यार ये तो, ये कम से कम 15x8 का रूम है, ये 15x8 का है तो बहुत बड़ा, बहुत स्पेस हो जाता है 15x8। आप देखिए डबल बेड पड़ा हुआ है, सोफे पड़े हुए हैं, फ्रिज भी पड़ा हुआ है, फिर भी बहुत ज्यादा स्पेस बचा हुआ है इसके अंदर में। हाँ, काफी स्पेसियस है, नो डाउट। और इसी से अटैच हमारा ये किचन है, किचन भी बहुत बड़ा है, इसी के साथ में ये अटैच्ड जी जी किचन है। देखिए किचन की बात करें तो ये ग्रैनी का दिल होता है किचन जी जी जी। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर किचन में भी काफी स्पेस है, आप आराम से खड़े होकर खाना बना सकते हैं और एल शेप की एक स्लैब है तो आपको खाना बनाने में दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप 2 या 3 लेडीज भी अगर खड़ी होती हैं फिर भी आपको इसमें जगह मिलेगी, ठीक है। ठीक है, बड़ा है और इसी से अटैच हमारा ये रूम। अच्छा, इसी के साथ एक बेडरूम और अटैच्ड है जी जी। तो इस बेडरूम के अंदर में हमारा टॉयलेट बाथरूम एक और अटैच है, इसी के साथ एक बाथरूम और टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है। क्या बात कर रहे हैं, तो खजाना से खोल दिया है आपने जी जी जी। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो गेट देख रहे हैं ये इसके साथ अटैच्ड,
इसमें अपना बेडरूम के साथ साथ में अलमारी उलमारी कुछ भी आप मतलब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये अलमारी आप देख रहे हैं, इसमें ये 6x6 का एक बेड भी इसके अंदर है और उसके बाद भी आपको मूव करने के लिए देख रहे हैं तो काफी स्पेस आपको इसमें नजर आता है। आप देखेंगे तो वॉशिंग मशीन भी एक रखी हुई है, उसके बाद भी मूव करने के लिए काफी अच्छा स्पेस है। एक टॉयलेट और दिखाइएगा, इसमें क्या साइजेस है टॉयलेट का? हिसाब आप देखिए बहुत बढ़िया साइज है इसका, ये देखिए। अरे वाह, ये तो अटैच्ड पूरा बढ़िया से शानदार और ये काम भी काफी अच्छा कराया हुआ है भैया ने। तो ये अपना 32 मीटर का जो हम बात कर रहे थे जो 2418 रुपए में आपको मिलना है जी। और ये वही फ्लैट है ना? वही फ्लैट है भाई साहब। अरे तो और क्या चाहिए आदमी को जिंदगी में यार, 2418 रुपए में एक मिडिल क्लास की फैमिली बहुत सुंदर अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और बच्चों को पढ़ने वढ़ने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस है अपना। ये 90 मीटर की बिल्डिंग है और इसमें 4 फ्लोर आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। साथ में आपको खाली प्लॉट नजर आएंगे यहाँ पर और बिल्कुल साथ में आप देखें तो वाटर का टैंक जो है, यहाँ ऑलरेडी सारे वाटर टैंक जो है वो डेवलप्ड हैं, तो बेसिक जो डेवलपमेंट होनी है वो यहाँ पर हो चुकी है। हाँ ये जरूर है कि प्लॉट्स की थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी स्लो चल रही है, अभी लॉकडाउन रहा है। ये 60 मीटर का प्लॉट है जो कंस्ट्रक्टेड है और इसमें 2 फ्लोर बनाए हुए हैं जबकि 4 फ्लोर आप इसमें बना सकते हैं आराम से, GDA से अप्रूव्ड करा के मैप। तो ये आप देखेंगे 40 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर, 150 मीटर से लेकर 450 मीटर तक के यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। लोग बाग बना भी रहे हैं, लोग रह भी रहे हैं। सबसे मजेदार GDA से अप्रूव होने की वजह से आपको लोन की फैसिलिटी इसमें आराम से मिल जाती है।